बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। हम जो किताब पढ़ रहे हैं उसका नाम है जिहाद अकबर। किताब के मुसन्निफ़ इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह हैं, नाशिर दानिशगाह इमाम खुमैनी। ये किताब आपकी खिदमत में काशान बसीरत आडियो बुक सेक्शन की जानिब से पेश की जा रही है। अब हम किताब का पार्ट टू पढ़ेंगे। तालीम को तरबियत के साथ तमाम होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप तहसील इल्म ना करें, इल्म ज़रूर हासिल करें, अलबत्ता अगर आप इस्लाम और माशरे का मुफीद और मौसर हिस्सा बनना चाहते हैं, कौम और मिल्लत की रहबरी करके उन्हें इस्लाम की तरफ मुतवज्जा करना चाहते हैं और आपने इस्लाम की बुनियाद और असास की हिफाजत का बेड़ा उठाया हुआ है, तो आप पर लाजिम है कि आप इल्म फिका के जरिए अपने आप को महकूम और मजबूत करके साहिब नज़र बने। अगर आप खुदा ना खास्ता सबक नहीं पढ़ेंगे तो आपका मदरसे में रहना हराम होगा और आप इन हुकूक़ शरई से भी इस्तेफादा नहीं कर सकेंगे जिनसे इस्लामी उलूम के तलबा मुस्तफीद होते हैं। यकीनन तहसील इल्म ज़रूरी और लाजमी है, अलबत्ता जिस तरह आप मसाइल फ़िक़्ह उसूल में मेहनत और मुशक्क़त उठाते हैं, इसी तरह अपनी इस्लाह की राह में भी कोशिश करें। जितने कदम आप तहसील इल्म के लिए उठाते हैं उतने ही कदम ख्वाहिशात नफ्सानी के कुचलने, कवाय रूहानी को तकवीत देने, मुकारम इखलाक के हुसूल और मानवियत और तकवे के हासिल करने के लिए भी उठाएं, क्योंकि इन उलूम की तहसील तो हकीकत में तहजीब नफ्स, तहसील फजाइल व अदाब और मारिफ़ इलाही का मुकदमा व तहमीद है। सारी उम्र सिर्फ मुकदमा व तहमीद में ना गुजारें बल्कि नतीजा भी हासिल करें और ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। आप एक बुलंद और पाकिज़ा मकसद के उसूल के लिए इन उलूम को हासिल कर रहे हैं जो खुदा शनासी और तहजीब नफ्स इबारत है। आपको अपने काम के नतीजे और समर के लिए कोशा रहना चाहिए और अपनी असली और बुनियादी मंजिल तक पहुँचने के लिए संजीदगी से जद्दोजहद करनी चाहिए। आप जब मरकज़ इल्म में कदम रखें तो हर काम से पहले अपनी इस्लाह की फिक्र करें। आप मरकज़ इल्म में रहें तो तालीम के साथ साथ अपने नफ्स की इस्लाह और तहजीब करते रहें, ताकि जब मरकज़ इल्म से बाहर जाएं और किसी शहर या मोहल्ले में कौम और मिल्लत की रहबरी का बेड़ा उठाएं तो लोग आपके अमाल और किरदार और फजाइल इखलाकी से इस्तफादा करें और पंद व नसीहत हासिल करें। आपकी हमेशा यही तबूत दो रहनी चाहिए कि माशरे में दाखिल होने से पहले अपनी इस्लाह करें और अपने आप को मुकम्मल तहजीब याफ्ता बना लें। अगर इस वक्त जबकि आप फारिग हैं मुकामी इस्लाह और तहजीब नफ्स में ना आएँ, तो फिर जिस दिन माशरे और इज्तमा ने आपकी तरफ रुख किया तो इस वक्त हरगिज आप अपनी इस्लाह ना कर सकेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं और तहजीब व तहसील से इसका रास्ता रोक देती हैं। इनमें से एक बाज़ अफराद के लिए ही अमामा और दाढ़ी है। जब अमामा का साइज़ कुछ बढ़ जाए और दाढ़ी लंबी हो जाए और वो महज़ब भी ना हो तो वो तहसील इल्म से रह जाता है, मुकैद हो जाता है। इसके लिए ये बात मुश्किल हो जाती है कि वह अपने नफ्स अमारा को कुचल कर किसी के दर्स में शामिल हो। शेख तूसी अला रहमा 52 साल की उम्र में भी दर्स में जाया करते थे, जबकि उन्होंने 20 से 30 साल की उम्र में किताबें लिखी थीं। गोया उन्होंने किताबें तहजीब को इसी सन और साल में तहरीर फरमाया था और इसके बावजूद अपनी 52 साल उम्र में भी सैयद मुर्तज़ा अला रहमा के दर्स में हाजिर होते रहे। यहाँ तक कि इस मुकाम बुलंद पर अब जलवा अफरोज हुए, खुदा ना करे कि मलकात फाजला के कस्ब और कवाय रूहानी की तकवीत से पहले इंसान की कुछ दाढ़ी सफ़ेद और अमामा बड़ा हो जाए कि ये चीज़ें इसे इल्म व मानवियत के इक्तसाबात और तमाम बरकात से उसूल से बाज रखेंगी। जब तक आपकी दाढ़ी सफ़ेद नहीं हुई और जब तक आप लोगों की तवज्जो का मरकज़ नहीं बने हैं, अपने बारे में सोचिए। खुदा ना करे कि इंसान अपनी तामीर से पहले माशरे में मकबूल हो जाए। लोगों में अपनी शख्सियत बनाइए और इनमें नफूज पैदा करें कि यूँ वो अपने आप से जाता रहेगा और अपनी औकात भूल बैठेगा। लिहाजा कबल इसके के इख्तियार की बाग आपके हाथ से निकल जाए और आप बेबस से हो जाएं, अपने आप को संवार लें और अपनी इसलाह करें।
अच्छे अखलाक से आरास्ता हो जाएं और बुरे रजील और पस्त अमान से खुद को दूर करें। दर्स और मुबाइसे में खुलूस पैदा कर लें ताकि इस तरह आप खुदा के करीब हो सकें। अगर इंसान के कामों में नियत खालिस ना हो तो ये चीज़ उसे दरगाह खुदाबंदी से दूर कर देती हैं। कहीं इस तरह ना हो कि 70 साल के बाद जब आप नामाए अमाल खोलें तो माजल्ला ये देखें कि 70 साल में आप खुदा से दूर हो चुके हैं। आपने पत्थर का वो वाक्या सुना होगा कि जो जहन्नुम में गिरा और 70 साल के बाद जहन्नुम की गहराई से इसकी आवाज़ आई। जनाब रिसालत माब की हदीस है के मुताबिक से मुराद वो बूढ़ा आदमी था जो मर गया और इस 70 साल की मुद्दत में उसने दोजख की सिमत अपना सफ़र जारी रखा। अब ज़रा ख्याल रहे कहीं ऐसा ना हो कि आप भी मराकज़ इल्म में कम व बेश 50 साल मेहनत और रियाजत और अर्थरेजी करने के बाद जहन्नुम हासिल करें। आपको तहजीब तज़किया नफ्स और इस्लाह अख़लाक के सिलसिले में एक दस्तूरुल अमल मुरतब करने की फिक्र होनी चाहिए। आपको दरस अख़लाक के लिए एक उस्ताद का इंतजाम करना चाहिए। वाज़ और नसीहत की मजालिस तश्कील देनी चाहिए। यूँ खुद ब खुद इंसान मुहज़्ज़िब नहीं हो सकता। अगर इल्मी मराकज़ मुरबी अख़लाक और मजालिस वाज़ और नसीहत से इसी तरह खाली रहे तो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। अजीब बात है कि इल्म फिक्र और उसूल के लिए तो उस्ताद की ज़रूरत और अहमियत को महसूस किया जाए और दर्स और मुबाइसे को लाजमी करार दिया जाए कि कोई शख्स खुद ब खुद किसी इल्म का माहिर नहीं हो सकता, फ़कीह और आलिम नहीं बन सकता, लेकिन उलूम मानवी और इखलाकी जो कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की बयासत का मकसद अव्वलीन थे और जो लतीफ़ और दकीक तरीन उलूम में से हैं, इनके लिए तालीम और तालुम की ज़रूरत को महसूस ना किया जाए। गोया ये इल्म अज खुद बग़ैर मौलिम और उस्ताद हासिल हो जाते हैं। मैंने कई बार सुना है कि उस्ताद फ़िक्र और उसूल जनाब मरहूम शेख अंसारी अला रहमा इल्म अखलाक व मानवियत के जलीलुल क़द्र मौलिम और उस्ताद थे। खुदा के अंबिया इसीलिए मबूस हुए थे कि लोगों को इंसान बनाए और नोए बशर को पस्तियों नजासतों बुराइयों और अखलाकी रज़ाइल से निजात दिलाएं। इन्हें फ़ज़ाइल और आदाब हुस्ना से आरास्ता करें। इरशाद नबवी है कि मैं मकारिम अखलाक की तकमील के लिए मबूस हुआ हूँ। वो इल्म के जिसके लिए खुदा ने एहतमाम किया और जिसके लिए अम्बिया किराम मबूस फरमाए, आज ये इल्म हमारे मराकज़ इल्म में जारी नहीं है और कोई शख्स इसे मुनासिब और लाजमी अहमियत नहीं देता। इल्मी मराकज़ में उलूम मारिफ व मानवी की कमयाबी की बिना पर मामला यहाँ तक पहुँच गया कि मादी और दुनियावी मसाइल रूहानियत में रखना अंदाज हो गए हैं और बहुत से लोगों को मानवियत और रूहानी से दूर कर दिया गया है और वो बिल्कुल नहीं जानते कि रूहानियत किसे कहते हैं और रूहानी आलिम की क्या जिम्मेदारियाँ हैं और इसका क्या प्रोग्राम होना चाहिए। बाज़ अशख़ास तो इसके पीछे लगे हुए कि चंद अल्फाज याद कर लें और अपने शहर में या किसी दूसरी जगह जाकर कोई जाओ मनसब हथिया लें और दूसरों के साथ ज़ोर आजमाई करें। मिसल इस शख्स के जो कहता था कि ज़रा मुझे शरह लुमा पढ़ लेने दो, फिर देखूँ मैं गांव के मुखिया के साथ क्या करता हूँ। इस तरह नहीं होना चाहिए कि पहले से ही आपका नज़रिया और मकसद तहसील इल्म से किसी सनद या मकाम का हुसूल हो। आपकी ये ख्वाहिश हो कि आप फला शहर या फला गांव की आला शख्सियत बन जाएं, हो सकता है कि आप इन ख्वाहिशात नफसानी और आरजू हाय शैतानी तक भी पहुँच जाएँ, लेकिन इस तरह आपने अपने और इस्लामी माशरे के लिए नुकसान और बदबख्ती के अलावा कुछ भी हासिल ना किया। माविया भी एक तवील मुद्दत तक आला मकाम का हामिल था, लेकिन इसने अपने लिए रुसवाई के अलावा कोई नफ़ा और एजाज हासिल नहीं किया। लिहाजा ज़रूरी के पहले खुद को तहजीब से आरास्ता करें ताकि जब माशरे ये जमात के सर बर आरदा फर्द करार पाएँ या आला ओहदेदार बने तो सबको महज़ब बना सकें। और सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत होना चाहिए। अगर आपने खुदा के लिए इकदाम किए तो खुदा भी मुकल्लिबुल कुलूब है, दिलों को फेरने वाला है, वो खुद दिलों को तुम्हारी तरफ फेर देगा। यानी जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए तो अनकरीब खुदाए रहमान इन ईमानदारों को मोहब्बत और मुहद्दत से सरफराज फरमाएगा। आप राय खुदा में मुशक्क़त बर्दाश्त करें, जहमत उठाएँ और फिदाकारी करें तो खुदा हरगिज़ आपको
अजर नहीं छोड़ेगा, अजर अजीम अता करेगा। अगर इस दुनिया में अजर ना मिले तो आखिरत में इसका अजर ज़रूर मिलेगा, बल्कि अगर इस दुनिया में इसका अजर ना मिले तो और भी अच्छा है, क्योंकि इस दुनिया की कोई अहमियत नहीं है, ये शोर होगा और ये शख्सियतें चंद रोज़ के लिए हैं और ख्वाब की तरह इंसान की आंखों के सामने से गुजर जाएंगी, लेकिन आखिरत के अजर की तो कोई इंतहा ही नहीं और ना ही वो ख़त्म होने वाला है। आज आखिरत का अजर लामहदूद है। इल्मी मराकिस के इनेतात का डर, मुमकिन है कि नापाक हाथ सुम पाशियों और बुरे प्रोपेगेंडे के जरिए इखलाकी और इस्लाही प्रोग्रामों और दस्तूरुल अमल को गैर ज़रूरी जाहिर करें और इस मकसद को हासिल करने के लिए मिंबर को मुकाम इल्मी के मुनाफी और खिलाफ करार दें और अहले इल्म में से ऐसे बुजुर्ग जो इस्लाह और मरकज़ इल्म की तंजीम के मुकाम पर फायज हैं उन्हें मिंबरी का खिताब देकर वाज और नसीहत से रोकें। आजकल बाज मराकज़ में शायद मिंबर पर जाने और वाज और नसीहत करने को नंग व आर समझा जाता है। शायद वो ये भूल गए कि हजरत अमीरुल मोमिनीन अहले मिंबर थे और मिंबरों पर जाकर लोगों को वाज और नसीहत और इनकी रहनुमाई फरमाते थे। बाकी तमाम आइमे मासूमीन अलैहिस्सलाम का भी यही तरीक़ेकार रहा है। शायद बाज पोशीदा अनासिर ने इस किस्म की मनफी सोच को लोगों के जहनों में भर दिया है ताकि मानवियत और अखलाकियात इन मराकज से रुखसत हो जाए और नतीजतन हमारे ये मराकज ख़राब और तबाह हो जाएँ। पार्टीबाजियाँ, खुद ख्वाहियाँ, मुनाफिकत और इख्तलाफात इन मराकज में खुदा न खास्ता रखना अंदाज हों। इल्मी मराकज के अफराद एक दूसरे से मुतसादिम हों, एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा हों, एक दूसरे की तौहीन और तकजीब करें और इस्लामी माशरे में रुस्वा और बेआबरू हो जाए ताकि अगियार और इस्लाम दुश्मन ताकतों और इन मराकज पर दस्तरस हासिल करके इन्हें ख़त्म कर दें। दीन के बदख्वाह लोग जानते हैं कि इल्मी मराकज को कौमों की हिमायत हासिल है और जब तक मिल्लत इनकी पुष्ट पनाही करती रहेगी इनका कुचलना और इन्हें तबाह बर्बाद करना नामुमकिन है। लेकिन जिस दिन मराकज इल्म में रहने वाले अफराद और इनके तलबा दीनी अखलाकी और इस्लामी आदाब को छोड़कर एक दूसरे की जान के तरपे हुए, इनमें इख्तलाफात ने जन्म लिया, गिरोह बंदियाँ हो गई, बिदतों और बुराइयों से पाक ना रहे और बुरे और नापसंदीदा अफाल की तरफ हाथ बढ़ाने लगे तो कहरन मिल्लत इस्लामी इन मराकज रूहानियत और उलमा से बदजन होकर इनकी हिमायत और पुष्पनाही से हाथ खींच लेगी और दुश्मन के लिए अपनी ताकत को बरूए कार लाने और अपने नफूस के लिए रास्ता खुल जाएगा। आप देखते हैं कि अगर हुकूमतें रूहानी शख्सियत या मर्जे से डरती हैं और इसे अहमियत देती हैं तो इसकी वजह यही है कि कौम मिलत इसकी पुष्पनाही कर रही है। हकीकत में वो कौम मिलत से डरते हैं और इन्हें ये खतरा है कि अगर किसी एक रूहानी पेशवा की अहानत और बेइज्जती की इससे जसारत या तारुज़ किया तो कौम मिलत इनके खिलाफ उठ खड़ी होगी, लेकिन अगर उलमा और रूहानी शख्सियात के आपस में इख्तलाफात हों और आदाब व इखलाक का लिहाज ना रखें तो वो आवाम की नज़रों से गिर जाएंगे और कौम भी उनके हाथ से निकल जाएगी। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हामलाने इल्म इल्म को सच्चाई के साथ हासिल करते तो यकीनन खुदा इसके मलाइका और इसके अताअत गुजार बंदे इनको दोष रखते, लेकिन उन्होंने इल्म को तलब दुनिया के लिए हासिल किया, बस खुदा बंद आलम इन पर गज़बनाक हुआ और लोगों में जलील और वो लोगों में जलील ख्वार हो गए। कौम तो आपसे ये तवक्को रखती है कि रूहानी और महजब हो, अल्लाह का गिरोह हो और अल्लाह वाले यानी हिजबुल्ला बन जाए, रिस्क भर के जिंदगी और इसकी जलवागरियों से परहेज करें, मकासद इस्लाम की पेशरवी और मिल्लत इस्लामी की खिदमत गुजारी में किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग ना करें, खुदा की राह में इसकी रजा के लिए कदम आगे बढ़ाएं और आपकी निगाह सिवाय खालिक यक्ता के किसी और तरफ नहीं उठनी चाहिए। लेकिन अगर कौम और मिल्लत ने आपको अपनी तवक्को के खिलाफ देखा कि बजाय मावराए तबीया की तरफ मुतवज्जो होने के आपकी तमाम कोशिशें और फिक्रें दुनिया से मरबूत हैं और बाकी लोगों की तरह आप भी दुनियावी और शख्सी मुनाफे के उसूल की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे से दुनिया और इसके अदना मुफादात की खातिर झगड़ रहे हैं,
इस्लाम और कुरान को माजल्ला बाजीचे अस्तवाल खिलौना करार दे रहे हैं। अपनी दुनिया के नजिस मकासद और नंगो आर और अगराज और अगराज के लिए दुनिया और के लिए दीन को एक दुकानदारी बनाकर रखा है तो लोग आपसे मुनरफ और बदजन हो जाएंगे और आप ही इसके जिम्मेदार और दुनिया और आखिरत में जवाबदेह होंगे। अगर बाद मोमिन अमामा पहनने वाले हजरत इल्मी मराकज में अपने जाती अगराज और दुनियावी मफाद और दीनवी मफादात के उसूल के लिए एक दूसरे से उलझ पड़े, एक दूसरे की तोहिन करें, एक दूसरे को बुरा भला कहें, हंगामा आराई करें, बाज उमूर की मनसबदारी के लिए एक दूसरे के साथ रकाबत करें, शोर व गुल बर्पा करें, इस्लाम और कुरान के हक में खयानत करें, तो उन्होंने इलाही अमानतों के साथ खयानत की है। खुदा तबारक व ताला ने इस्लाम के मुकद्दस दीन को एक अमानत के तौर पर हमारे हवाले किया है। ये कुरान करीम अल्लाह की एक बड़ी अमानत है। उलमा और मजहबी पेशवा अमानत दार इलाही हैं। उनका ये फ़र्ज़ है कि इस अजीम अमानत की हिफाजत करें और इसके साथ खयानत ना करें। ये ज़िद्दीपन और ज़ाती और दीनवी इख्तलाफात इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के साथ खयानत है। इख्तलाफात क्यों? मुझे नहीं मालूम कि इख्तलाफात धड़ेबंदियाँ और महाज आराइयाँ क्यों हैं। अगर ये दुनिया के लिए हैं तो आपके पास दुनिया है ही नहीं। अगर आप दुनियावी लज्जतों और मुनाफतों से बहरामंद होते तो फिर भी इख्तलाफ की गुंजाइश न थी। मगर ये कि आप रूहानी पेशवा ना रहते और रूहानियत में से सिर्फ अबा कबा और अमामा आपको विरसे में मिलता। रूहानी पेशवा का तो मावराए तबीयत से रब्त है। रूहानी पेशवा तो जिंदा तालीमात और इस्लाम को आरास्ता करने वाली सिफात से सरफराज है। वो तो खुद को हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का पैरोकार और शिया समझता है। इसके लिए तो ये मुमकिन ही नहीं कि वो ख्वाहिशात दुनिया की तरफ मुतवज्जो हो। ये जाएगी कि वो इन ख्वाहिशात की बिना पर इख्तलाफ का रास्ता इख्तियार करें। अगर आपको अमीरुल मोमिनीन की पैरवी का दावा है तो कम अज़ कम इनकी ज़िंदगी का मुताला कीजिए और देखिए कि आप हकीकत में थोड़ी बहुत भी इनकी पैरवी और इत्तबा कर रहे हैं। क्या आप इनके ज़ोहद तकवा और सादा ज़िंदगी के बारे में कुछ जानते हैं और उस पर कारबंद हैं? क्या आप जुल्म ज़्यादती और तबकाती इम्तियाज़ात के खिलाफ उनकी जंग से वाकिफ़ हैं? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने किस तरह मजलूमों और सितम रसीदा लोगों की बेदरेज हिमायत की है? क्या आप इनकी दस्तगीरी और फरियाद रसी से किसी नतीजे तक पहुँचे जो उन्होंने महरूम और मुसीबत ज़दा लोगों के हक में की है? और क्या आप इन बातों पर अमल कर रहे हैं? क्या शिया के मफहूम में सिर्फ इसकी ज़ाहिरी सूरत आती है? अगर यह है तो फिर आप में और बाकी मुसलमानों में क्या फ़र्क है? जो ज़ाहिरी उमूर में शियों से बहुत आगे और इनके के ज़्यादा पाबंद हैं, फिर शिया उनसे क्या इम्तियाज़ रखते हैं? जिन लोगों ने आजकल दुनिया के हिस्से को आग और खून की तरफ खींच लिया है, जो कत्ल व गारत गरी के रास्ते पर गामज़न है, इनकी ख्वाहिश ये कि वो इन कदमों पर इन कौमों पर गलबा हासिल करें, इनका सरमाया हासिल करने और इनके खून पसीने की कमाई निगलने में एक दूसरे पर सबकत हासिल करें, कमज़ोर और पसमानदा हुकूमतों को अपने तसल्लुत में कर लें। ये लोग आज़ादी, तरक्की और आबादकारी, मुल्की सालमियत और इस किस्म के दूसरे फरेबों और चालबाजियों के सहारे हर रोज़ दुनिया के किसी न किसी गोशे में जंग की आग भड़काते हैं और बेसहारा कौमों के सरों पर हजारों टन के आतिशी बम गिराते हैं। जंग व जदल दुनिया की मंतिक और इनके आलूदा गुनाहों में मुलव्वज़ जहनों के मुताबिक सही और बजा है, लेकिन आपका इख्तलाफ तो इनकी मंतिक के मुताबिक भी दुरुस्त नहीं। अगर इनसे दरियाफ्त कर लिया जाए कि क्यों जंग कर रहे हो तो कहते हैं फला मुल्क लेना है या फला सल्तनत की दौलत या मुनाफा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपसे सवाल किया जाए कि आपका इतनाज़ किस बात पर है, आप में इख्तलाफ क्यों है, तो आप क्या जवाब देंगे? आपके पास दुनिया की कौन सी चीज़ है जिस पर आप झगड़ा कर रहे हैं? आपकी महाना आमदनी जो आकायान मराजे की तरफ से आपको शहरी के नाम पर मिलती है, वो दूसरे लोगों के हर महीने के सिगरेटों के खर्च से भी कम है। मैंने किसी रोजनामे या रिसाले में जो मुझे अच्छी तरह याद नहीं देखा था कि वो बजट जो वातिकान वाशिंगटन के एक पादरी के लिए भेजा जाता है, एक अच्छा भला सरमाया है।
मैंने हिसाब लगाकर देखा तो वो इन तमाम रकूम से ज़्यादा है जो शिया मराकज में खर्च होती हैं। आप जिस तर्ज पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? आपस में इख्तलाफ रखें और दुईयत और गैरियत पैदा करें और एक दूसरे के मुकाबले में साफ आ रहा हूँ। इन तमाम इख्तलाफात की असल बुनियाद के जिसका कोई ख़ास और पाकिज़ा हदफ ना हो, हुब्बे दुनिया पर मुंतही होती है। अब अगर आपके अंदर भी कोई इस किस्म का इख्तलाफ है तो इसके मायने ये हैं कि आपने मोहब्बत दुनिया को अपने दिल से नहीं निकाला, और चूँकि उसूल मनफियत के ज़राए इस दुनिया में महदूद हैं, इसलिए हर कोई इसे हासिल करने के लिए दूसरे का रकीब बन जाता है। आपको फला मुकाम या मनसब की तमन्ना है तो दूसरा भी इसे हासिल करना चाहता है, और ये अमल लाजमन हसादत और टकराव की सूरत पैदा करेगा। लेकिन वो खुदा वाले जिन्होंने मोहब्बत दुनिया को दिल से निकाल दिया और इनका मकसद खुदा के अलावा कुछ और नहीं, इनके दरमियान किसी वक्त भी अनबन और बिगाड़ पैदा नहीं होगा। अगर आज तमाम पैगंबरान इलाही एक शहर में यकजा हों तो हरगिज़ इनमें कोई इख्तलाफ और दुईयत नहीं आएगी, क्योंकि इनका मुद्दा और मतलब एक है। इन सब के दिल हक़ ताला की तरफ मुतवज्जो और हुब्बे दुनिया से खाली हैं। अगर आपके अफ़ाल और किरदार और वज़े ज़िंदगी और रफ्तार इसी तरह रहे जिस तरह इस वक्त देखे जा रहे हैं, तो आपको डरना और खौफ खाना चाहिए कि माज़ अल्लाह अगर आप दुनिया से रुख्सत हों तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के शिया ना कहला सकेंगे। इस बात से डरेंगे कहीं आप तौबा और इस्तग़फ़ार के अल्फाज से नाशना हों और हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शिफात से महरूम हो जाएं। इससे पहले कि फुर्सत के अलामात आपके हाथ से निकल जाएं, इसका इलाज सोच लें। इन जलील और रुस्वा कुन इख्तलाफात से दस्तबरदार हो जाएं। ये महाज आराई और दुईयत की सूरत गलत है। क्या आप दो मुख्तलिफ कौमें हैं? क्या आपके मजहब के कई गिरोह और फिरके हैं? अगर नहीं तो फिर आपकी मुतनब्बे और बेदार नहीं होते। क्यों आंखें बंद किए हुए किस वजह से एक दूसरे के साथ सिद्क़ो सफ़ा और भाईचारे से नहीं रहते? आखिर इसकी वजह क्या है? ये आपस के इख्तलाफात बहुत ख़तरनाक है। इनसे ऐसे झगड़े पैदा होंगे जिनकी तलाफ़ी नामुमकिन है। इल्मी मराकज़ का वजूद बाकी ना रहेगा और उनकी वजह से आप माशरे में हकीर और जलील और बेआबरू हो जाएंगे। ये गिरोह बंदियाँ सिर्फ आपके नुकसान पर ख़त्म नहीं होंगी, इनसे सिर्फ आप ही की आबरेजी नहीं होगी बल्कि इससे एक माशरे और एक कौम की हैसियत को धचका पहुँचेगा और इस्लाम की तबाही पर मामला जाकर ख़त्म होगा। अगर आपके इख्तलाफात से ऐसे झगड़े फितने और बुराइयाँ पैदा हुई तो ऐसा बड़ा गुनाह होगा जो बिल्कुल ना बख्शा जाएगा और ये बारगाह खुदावंदी में बहुत अजीम गुनाहों में शुमार किया जाएगा, क्योंकि इससे तो पूरा माशरा ख़राब होगा और इससे काफिरों को मदद मिलेगी और इनके तसल्लुत की राह हमवार होगी। हो सकता है पोशीदा खाद इन इल्मी मराकिस को ख़त्म करने के लिए मुनाफिकत और इख्तलाफ पैदा करें और मुख्तलिफ वसाइल से नफाक की तुख्म रेजी करें, अफकार को मसमूम और अजहान को बातिल की मिलावट से ख़राब करके शरई जिम्मेदारी को ठेस लगाएं, खुद साख्ता शरई जिम्मेदारियों के जरिए मराकज़ में हंगामे बरपा करें ताकि इस तरह इन अफराद पर जवाल आ जाए कि जो इस्लाम के मुस्तकबिल के लिए मुफीद हैं और वो आइंदा इस्लाम की और इस्लामी माशरे की खिदमत ना कर सकें। ज़रूरी है कि आप चौकन्ना और चौकस रहें और इस धोखे में ना आए कि मेरी शरई जिम्मेदारियों का तकाजा इस तरह से है और मेरा वजीफा शरी इस तरह का है। कभी कभी शैतान भी इंसान के लिए जिम्मेदारियां फ़राइज मुअय्यन करता है। कभी हवा और हविस और ख्वाहिशात नफ्सानी वजीफा शरई के नाम पर इंसान को बुरे कामों में उभारते हैं। ये तकलीफ़ शरई नहीं है कि कोई मुसलमान की अहानत और तजलील करे और बरदर ईमानी की बुराई इससे सरजद हो, बल्कि ये चीज़ हुब्बे दुनिया और हुब्बे नफ्स है। ये शैतानी तलकीनात हैं जो इंसान को ये बुरे दिन दिखाती हैं। ये झगड़ा फसाद पक्के जहन्नुमियों का है। दोजख में भी धमक धैया होगी। अब अगर आप दुनिया के लिए झगड़ते हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए दोजख मोल लेते हैं और इसी के रुख पर आगे बढ़ते हैं
उमूर आखरत में झगड़ा नहीं होता, आखरत वाले तो आपस में मेल मिलाप से रहते हैं। इनके दिल खुदा और बंदगाने खुदा की मोहब्बत से भरे हुए होते हैं। खुदा की मोहब्बत सबब बनती है उन लोगों की मोहब्बत का जो खुदा पर ईमान रखते हैं। बंदगाने खुदा की मोहब्बत हुब्बे इलाही का परतो और साया है। आप अपने हाथों से आग ना लगाएं, दोजख की आग ना रोशन करें और नारे जहन्नुम को ना भड़काएं। जहन्नुम की आग इंसान के बुरे किरदार और बदतरीन आमाल से भड़कती है। ये दो लती झाड़ने वाले इंसान के अमाल हैं कि जो आग को भड़काते हैं। हम इससे गुजरे तो वो खामोश पड़ी थी। अगर इंसान अपने अमाल और किरदार से आग को रोशन ना करे तो जहन्नुम खामोश रहे। इस तबीयत का बातिन जहन्नुम है। ऐसी तबीयत की तरफ मुतवज्जो होना जहन्नुम की तरफ ध्यान देता है। जब इंसान इस जहां से दूसरे जहां की तरफ रखते सफर बांधते हैं तो पर्दे उड़ जाते हैं। वो समझ लेता है ये वही कुछ है कि जिसको तुम्हारे हाथ आगे भेज चुके हैं और जो कुछ अमल कर चुके हैं इसे बैन ही हाजिर पाएंगे। वो तमाम अमाल जो इंसान से इस दुनिया में सरजद होते हैं वो इस जहां में इसे दिखाए जाएंगे। वो इसके सामने मुजस्सम होकर पेश होंगे। बस जो जरा बराबर नेक अमल करे वो उसे देखेगा और जो जरा भर बुरा अमल करेगा वो उसे देखेगा। इंसान के तमाम अमाल और किरदार और गुफ्तार हिसाब किताब के दिन यानी रोजे कयामत दिखाई देंगे जैसे टीवी पर अक्स आ जाता है। दूसरे लफ्जों में कहा जा सकता है कि हमारी जिंदगी की फिल्म ले ली जाती है और उस जहां में दिखाई जाएगी इसका इनकार नहीं हो सकेगा। मना करने की हिम्मत ना होगी। हमारे तमाम अमाल और हरकत हमारे अज़ा और जवारे की शहादत के अलावा हमें दिखाए जाएंगे। वो कहेंगे हमें उसी खुदा ने गोयाई दी है जिसने हर चीज को कुव्वत गोयाई बख्शी है और कुव्वत नुक्त अता फरमाई है। और खुदा के सामने आप अपने बुरे अमाल का इनकार नहीं कर सकेंगे ना ही इन्हें छुपा सकेंगे। खूब सोच लो और यूं आखरत पर नजर रखो, अंजाम पर गौर करो। खतरनाक घाटियां सामने हैं, इन्हें देख लो। फिशारे कब्र आलम बरजख और इनके बाद आने वाले जो मुश्किल तो शदायद हैं इनसे गफलत ना बरतो, तो कम अज कम जहन्नुम पर तो यकीन रखो। इमाम अली अलैहिस्सलाम अक्सर अपने असहाब से इरशाद फरमाते थे खुदा तुम पर अपनी रहमतें नाजिल करे, आमादा रहो कि तुम्हें कूच का पैगाम आ गया है। दुनिया के हिर्स व हवा को कम करो और अपने बेहतरीन ज़ादे राह को लेकर आगे बढ़ो। तुम्हारे सामने खतरनाक घाटियां और खौफनाक और हौलनाक मनाजिल हैं जिनमें से होकर गुजरना तुम्हारे लिए ज़रूरी होगा और यहां तुम्हें रुकना भी होगा। जान लो कि मौत ने अपनी निगाहें तुम्हारी राह पर जमा रखी हैं और ऐसा लगता है जैसे इसने अपने पंजों को तुम पर गाड़ दिया है। सख्त और मुश्किल उमूर तुम्हें धमकी दे रहे हैं। बस दुनिया के अलायक से अपना रिश्ता तोड़ दो और इत्मीनान और एतमाद से ज़्यादा तकवा हासिल करो। अगर इंसान वाकई इन खतरनाक घाटियों को समझ जाए तो अपनी रविश और तरीके को बदल डालेगा। अगर आपका इन उमूर पर ईमान और यकीन हो तो फिर आप इस तरह आज़ादाना ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। आप कलम व कदम और ज़बान की हिफाजत करते हुए अपने नफ्स और माशरे की इस्लाह की कोशिश करेंगे।